आईपीएल के 17वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 206 रन का लक्ष्य दिया। आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 205 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने एक बार फिर अपने बल्ले से चौके और छक्कों की बरसात कर दी। कप्तान विराट कोहली ने अपने बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 49 बॉलों पर 48 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। तो वहीं एबी डिविलियर्स भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी 32 गेंदों में 63 रन ठोक दिए, जिसमें 5 चौके और 4 ताबड़तोड़ छक्के शामिल हैं। आरसीबी की तरफ से बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोनिस ने भी 13 बॉलों पर 28 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। 206 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रही। केकेआर की तरफ से क्रिस लिन ने 31 बॉलों पर 43 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। तो वहीं सुनील नारायण ने 8 बॉलों पर 10 रन, रॉबिन उथप्पा ने 25 बॉलों पर 33 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी में बल्लेबाजी करने आए अन रसेल ने 13 बॉलों पर 48 रन की जबरदस्त पारी खेली। अन रसेल ने इस पारी में छक्कों की बरसात कर दी। रसेल ने इसमें 1 चौका और 7 दनदनाते छक्के लगाए और अपनी टीम को हारी हुई बाजी जिता दी और बेंगलोर ने अपना 5वां मैच भी गंवा दिया। आपको केकेआर की जीत और अन रसेल की धुआंधार पारी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें।